हाँ जी 5.3 5.4 के बाद ध्यान दें, अभी कुछ नोट ना करें। अगर ए बी सी ये तीन टर्म्स ए पी में हैं, ठीक है, ए पी होने का क्या प्रमाण है, कब होते हैं ए पी में, यानी इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा वही डिफरेंस इन दोनों का भी है, ठीक है, यानी कॉमन डिफरेंस इन दोनों से कैसे निकला, ए माइनस बी करके बी माइनस ए करके, और यही कॉमन डिफरेंस और कैसा आएगा, सी माइनस बी करके, सुना की बात, इस बी के साथ इस माइनस बी को देख लिया प्लस बी हो जाएगा, कितना हो जाएगा बी प्लस बी, और इसको देख लिया प्लस का हो जाएगा ए प्लस सी, सही है, या b इज इक्वल टू ए। अगर तीन टर्म ए पी में है तो पहले वाले और तीसरे वाले को जोड़ दो और अपॉन टू कर दो, तो किसकी वैल्यू आ जाएगी, बीच वाले, जिसे बोलते हैं b, जो बीचों बीच, अगर तीन टर्म है तो बीच वाले को बोलेंगे अर्थमेटिक मीन, ओके, तो एक नोट लिखो, या नोट्स ऐसे, नोट्स नंबर वन लिखो, इफ ए स्मॉल ए कॉमा बी कॉमा सी आर इन ए पी देन, तो यहां ध्यान दो, पहले बी इज इक्वल टू ए प्लस सी अपॉन टू था ना, इस टू के साथ ही लिखो, बात एक ही है, पहले और आखिरी का सम अपॉन टू कर लो, या पहले और तीसरे का सम इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ मिडिल टर्म, बात एक ही है, इसे लिखिए ज्यादा फायदा होता है, टू बी इज इक्वल टू ए प्लस देन टू बी इज इक्वल टू ए प्लस, नंबर टू, अगर जब कभी आपको तीन टर्म एज्यूम करने पड़े जो कि ए पी में हो, ठीक है, करने को तो आप ए ए प्लस डी और ए प्लस टू डी कर सकते हो, ठीक है, परंतु अगर आप ए माइनस डी ए और ए प्लस डी कर दें तब तो ए पी में ही है, इसमें डी जोड़ोगे तो यह आ जाए डी कट जाए और फिर डी जोड़ दिया जाए, अब भी ए पी में, ये भी ए पी में, ये भी ए पी में, इन्हें मान लेने से जरा कुछ फायदा है, क्या इन तीनों को जोड़ोगे तो डी कट जाए माइनस डी प्लस डी सीधी एक वैल्यू हो जाए, ठीक है, जब कभी तीन टर्म ए पी में हमें एज्यूम करने पड़ जाए तो मैं ये मान लेने चाहूँगा, ठीक है, देखिए नंबर टू में थ्री टर्म्स इन ए पी, थ्री टर्म्स इन ए पी, और फिर लिख दे ए माइनस डी कॉमा ए कॉमा ए प्लस, अगर फोर टर्म्स एज्यूम करने की आवश्यकता पड़ जाए, नहीं, ए माइनस थ्री डी, ठीक, ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस थ्री डी, टू डी का डिफरेंस है, इसमें 2d जोड़ के आएगा, इसमें 2d जोड़ के आएगा, इसमें 2d प्लस करो दिया है, इस जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, बस कॉमन डिफरेंस एक जैसा होना चाहिए, बस चाहे d हो चाहे 2d, ऐसा मान लेने से भरपूर फायदा है, क्यों कि जब कभी इन्हें जोड़ना पड़ जाए
तो सारे डी कटे ही कटेंगे, जितने प्लस माइनस में उतने प्लस में, ओके। और आखिरी नोट, अगर पांच टर्म एज्यूम करने की जरूरत पड़ जाए तो इन्हें मान लेना चाहिए हमें a माइनस टू डी, ए माइनस डी, ए ए प्लस डी, ए प्लस टू। इसमें कॉमन डिजाइन फिर दोबारा ए डी का आ गया, डी जोड़ते रहो अगला टर्म आता रहा। विशेषता क्या है, इन सबको जोड़ोगे तो डी कट जाए, ठीक है। इन पांचों नोट्स को, चारों नोट्स को नोट ले, फिर सुन ले एक बार। अगर ए बी सी ए पी में है तो बीच वाले टर्म का ट्वाइस इज इक्वल टू किनारे किनारे के दोनों टर्म का सम। तीन टर्म हमें एज्यूम करने पड़े तो ए माइनस डी, ए ए प्लस डी। चार एज्यूम करने पड़े ए माइनस थ्री डी, ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस थ्री डी। और इन द केस ऑफ फाइव टर्म्स एज्यूमिंग ए माइनस टू डी, ए माइनस डी, ए ए प्लस डी, ए प्लस टू, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग चलेंगे। एक क्वेश्चन देख लेना, पहले नोट कर लो। फास्ट नोट करें। कुछ भी हो, क्वेश्चन सारे 54 के 54 क्वेश्चन करेगी, अपने फ्यूचर के साथ खिलवाड़ कर लो। पक्के करें? ठीक है। चारों चारों एडवांस मैथ्स वाले हो, बेसिक वाला है एडवांस? ठीक, नोट कर लिए। क्वेश्चन नंबर वन, अगर तीन टर्म ए पी में है तो क्या याद आना चाहिए तुरंत? ट्वाइस ऑफ मिडिल टर्म इज इक्वल टू सम ऑफ साइड टर्म्स। यही कुछ कह रहा है वो। पहला, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच दिस दिस एंड दिस आर इन ए पी। क्वेश्चन नंबर वन, सिंस क्या क्या है, एट एक्स प्लस फोर, सिक्स एक्स माइनस टू, टू एक्स प्लस सेवन, चक्कर सही है। सिंस दिस 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 आर इन ए पी, देयर क्या मतलब होता है इसका? ट्वाइस ऑफ मिडिल टर्म सिक्स एक्स माइनस टू इज इक्वल टू सम ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड, एट एक्स प्लस फोर और टू एक्स प्लस सेवन। समझ आया कि नहीं आया? टू सिक्स जा ट्वेल्व एक्स माइनस टू टू जा फोर, एट एक्स प्लस टू एक्स टेन एक्स, और सात प्लस चार इलेवन, ट्वेल्व एक्स माइनस टेन एक्स, और इलेवन प्लस फोर फिफ्टीन, सो एक्स इज फिफ्टीन बाई ऑन। पूरा फास्ट नोट एकदम धार कर लो, और फिर एक क्वेश्चन और करो, और उसके बाद पूरी एक्सरसाइज की रेल बना दो। फास्ट फास्ट नोट करो। खतरनाक खत्म कर देना, खतरनाक। हद से ज्यादा आसान मैथ्स, हद से। एंड आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फाइव, क्वेश्चन फाइव।
द सम ऑफ थ्री टर्म्स ऑफ एन ए पी इज 21 और प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड एक्सीड द सेकंड टर्म बाय 6 फाइंड थ्री नंबर्स में तीन नंबर्स ए पी में है फाइंड करना है क्या एज्यूम कर लोगे ठीक ये नोट कर लिया yes, तीन टर्म फाइंड करने हैं क्वेश्चन नंबर 5 जिनका सम 21 आ रहा है और पहले और तीसरे का प्रोडक्ट दूसरे वाले से 6 ज्यादा ठीक है लेट 3 रिक्वायर्ड नंबर्स इन ए बी आर ए माइनस डी ए ए प्लस ठीक है अब क्या कह रहा है पहली शर्त इन तीनों का सम क्या है 21 नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जोड़ दो तीनों को ए माइनस डी प्लस ए प्लस ए प्लस डी ये कर क्या जाना चाहिए 21 मैंने 7 दे रखा दूसरा क्वेश्चन तो नहीं है आंसर क्या रहा सर ठीक है सर सही दे रखा डी डी कैन ए प्लस ए इज इक्वल टू अब ऐसा मान लेने से मिडिल टर्म का सीधा पता चल गया 7 ए टर्म पूरा पता चल और आप ए ए प्लस डी ए प्लस टू डी मानते हैं इक्वेशन ही बनती है टू डी में सोलना ठीक है एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन और क्या कह रहा है पहले और तीसरे का प्रोडक्ट ए माइनस डी इंटू ए प्लस डी ये किससे इक्वल है बीच वाले से 6 ज़्यादा ये ठीक है ओके इसमें कर लो फटाफट ए माइनस डी इंटू ए प्लस डी ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर और ए की वैल्यू क्या निकाल दी 7 प्लस 6 ओके ए स्क्वायर यहाँ पर रख दो 49 माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 13 तो डी स्क्वायर उधर भेज दो उसको उधर ले आओ यहाँ कर लो सो डी स्क्वायर उधर चला गया 49 माइनस 13 36 इसलिए d इज इक्वल टू प्लस माइनस 6 ठीक है उसने कुछ ऐसा नहीं कहा कि तीनों बढ़ते ऑर्डर में घटते ऑर्डर में तो दोनों बातें ले लो ठीक है तो आप प्लस 6 लेके भी कर लोगे और माइनस 6 लेके तो पहले इतना कर लो जल्दी तो इतना थोड़ा लास्ट कैसे लिख लेंगे हैदरा हटाऊं से यहाँ से चलिए फास्ट कुल 13 क्वेश्चन एक एक्सरसाइज में है और ये आपके बस एक बार में बैठिंग मन डर एक बार में दो तीन क्वेश्चन करना दो तीन क्वेश्चन बस फिर थोड़ी देर बैठ के फिर दो तीन क्वेश्चन एक बार बैठ के निमटाना होता है और दो चार दोस्तों थोड़ी थोड़ी बहुत बार बैठे वो करना होता है ठीक है हो गया हो गया सो रिक्वायर्ड टर्म्स आर सो रिक्वायर्ड टर्म्स आर पहले डी की वैल्यू प्लस 6 ले कर दो ठीक है तो पहला टर्म ए माइनस डी था ना तो ए यानी कि 7 माइनस डी 6
सेवन माइनस सिक्स सेवन, सेवन प्लस, और अगर माइनस सिक्स लेते सेवन माइनस माइनस सिक्स प्लस सिक्स सेवन सेवन माइनस सिक्स, ठीक है आंसर सेम ही आ रहा है। ये हमें चेक करना, सीधा बच्चे क्या करते हैं प्लस सिक्स लेते हैं, ठीक है। या तो ये कहता कि तीनों ऑर्डर इंक्रीजिंग ऑर्डर में, फिर हम प्लस सिक्स ही लेते हैं कि माइनस टू से कम करता चल जाएगा, ठीक है। जब कुछ नहीं कह रहा तो टेक ऑल पॉसिबिलिटी, दैट इज वन सेवन थर्टीन या फिर थर्टीन सेवन दोनों लिखो, ठीक है। अब तो इस एक्सरसाइज कर सकते हो, उड़ा दो खतरनाक अंदाज में उड़ा दो, और जो भी दिक्कत है पूछ लेना।